देश विदेश में ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल्ल द्वारा द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ का हिंदी भाषा में सरल पद्यानुवाद किया गया है। इसका संगीतमय कैसेट प्रस्तुत करते हुए अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा है। हम आभारी हैं श्रीमान भभूतमल जी भंडारी, श्री चंपालाल जी भंडारी एवं श्री रमेश जी भंडारी परिवार बेंगलोर के, जिनके आर्थिक सहयोग एवं प्रेरणा से ये कैसेट तैयार किया गया है। मधुर स्वर दे रही हैं श्रीमती प्रिया सक्सेना एवं श्री गौरव जैन। संगीत निर्देशन श्री अशोक मुखर्जी। रिकॉर्डिंग सारांश स्टूडियो। निर्देशन शुद्धात्म प्रकाश भारिल्ल। विशेष सहयोग पीयूष जैन। लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल्ल द्वारा रचित द्रव्य संग्रह पद्यानुवाद। प्रथम षट द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार। सदा धारि श्वास इंद्रिय आयु बल व्यवहार से वे जीव निश्चय जीव वे जिनके रहे नित चेतना उपयोग दो है ज्ञान दर्शन चार दर्शन जानिए चक्षु अचक्षु अवधि केवल नाम से पहचानिए ज्ञान आठ मति श्रुतावधि ज्ञान भी कुज्ञान भी मन पर्याय और केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष भी सामान्यतः चहु आठ दर्शन स्पर्श रस गंध वर्ण जिय में नहीं है परमार्थ से अतः जीव अमूर्त मूर्तिक बंध से व्यवहार से चिद कर्म करता नियत से द्रव कर्म का व्यवहार से शुद्ध भाव का करता कहा है आत्मा परमार्थ से कर्म फल सुख दुख भोगे जीव नय व्यवहार से किंतु चेतन भाव को भोगे सदा परमार्थ से समुद्घात विन तन माप मय संकोच से विस्तार से व्यवहार से यह जीव असंख्य प्रदिश मय परमार्थ से भूजलानल वनस्पति अर्वायु थावर जीव है दो इंद्रियों से पांच तक शंखादि सब त्रस जीव है पंचेंद्रिय संगी असंगी शेष सब असंगी ही है एकेंद्रिय है सूक्ष्म वादर पर्याप्त केतर सभी हैं भवलीन
वेद चतुर्दश गुण थान मार्गण थान से अशुद्ध नय से कहे हैं पर शुद्ध नय से शुद्ध है। उत्पाद व्यय संयुक्त अंतिम देह से कुछ न्यून है तो काग्रथित निष्कर्म शाश्वत अष्ट गुणमय सिद्ध है। मूर्त पुद्गल किंतु धर्मा धर्म नभ अर काल भी मूर्तिक नहीं है तथापि ये सभी द्रव्य अजीव है। थूल सूक्ष्म बंध तम संस्थान आतप भेद अर उद्योत छाया शब्द पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। स्वयं चलती मीन को जल निमित्त होता जिस तरह चलते हुए जिय पुद्गलों को धर्म दरब उसी तरह छाया निमित्त जो गमन पूर्वक स्वयं ठहरे पथिक को अधर्म त्यों ठहरने में निमित्त पुद्गल जीव को आकाश वह जीवादि को अवकाश देने योग्य जो आकाश के दो भेद हैं जो लोक और अलोक हैं। काल धर्मा धर्म जिय पुद्गल रहे जिस क्षेत्र में वह क्षेत्र ही बस लोक है अवशेष क्षेत्र अलोक है। परिवर्तन रूप परिणामादि लक्षित काल जो व्यवहार वह परमार्थ तो बस वर्तनामय जानिए। जान लो इस लोक के जो एक एक प्रदेश पर रत्न राशिवत जड़े वे असंख्य कालाणु दरब। इस तरह ये छह दरब जो जीव और अजीव मय काल बिन बाकी दरब ही पंच अस्ति काय है। कायवत बहु प्रदेशी है इसलिए तो काय है। अस्तित्वमय है इसलिए अस्ति कहा जिन देव ने। नभ जी धर्म धर्म असंख्य है सब पुद्गलों के त्रिविध एवं काल का बस एक है। यद्यपि पुद्गल अणु है मात्र एक प्रदेश में पर बहु प्रदेशी कहे जिन स्कंद के चार से। एक अणु जितनी जगह है घेरे प्रदेश कहे उसे किंतु एक प्रदेश में ही अनेक परमाणु रहे। द्वितीय सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार बंध आश्रव पापरु मोक्ष संवर निर्जरा विशेष जीव अजीव के संक्षेप में उनको कहीं कर्म आना द्रव्य आश्रव जीव
अविरति पांच पांच रु पंच दश परमाद है त्रय योग चार कषाय ये सब आश्रवों के भेद हैं ज्ञानावरण आदिक कर्म के योग्य पुद्गल आगमन है द्रव्य आश्रव विविध विध जो कहा जिन वर देव ने जिस भाव से हो कर्म बंधन भाव बंध है भाव वह द्रव बंध बंधन प्रदेशों का आत्मार कर्म के बंध चार प्रकार प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग ये योग से प्रकृति प्रदेश अनुभाग स्थिति कषाय से कर्म रुकना द्रव्य संवर और उसके हेतु जो शुद्धात्मा के भाव वे ही भाव संवर जाने व्रत समित गुप्ति धर्म परिशह जय तथा अनुप्रेक्षा चारित्र भेद अनेक वे सब भाव संवर रूप है द्रव निर्जरा है कर्म झरना और उसके हेतु जो तप रूप निर्मल भाव वे ही भाव निर्जर जानिए भाव मुक्ति कर्म क्षय के हेतु निर्मल भाव है और द्रव्य मुक्ति कर्म रज से मुक्त होना जानिए शुभा शुभ परिणाम शुभ आयु नाम गोत्र पुण्य अवशेष तो सब पाप है तृतीय मोक्ष मार्ग अधिकार सम्यक दर्श सद ज्ञान चारित्र मुक्ति मग व्यवहार से इन तीन मैं शुद्धात्मा है मुक्ति मग पर आत्मा से भिन्न द्रव्यों में रहे ना रतन त्रय बस इसलिए ही रतन त्रय मैं आत्मा ही मुक्ति मग जीवादिका श्रद्धान समकित जो के आत्म स्वरूप है और दुर्भिनिवेश विरहित ज्ञान सम्यक ज्ञान है संशय विमोह विभरम विरहित स्वपर को जो जानता साकार सम्यक ज्ञान है वह है अनेक प्रकार का ग्राहक निर्विकल्पक और है अविशेष जो सामान्य अवलोकन करे जो उसे दर्शन जानना जिन वर कहीं छद्मस्थ के हो ज्ञान दर्शन पूर्वक पर के अशुभ से विनिवृत हो व्रत समित गोप्ति रूप में शुभ भावमय हो प्रवृत्ति व्यवहार चारित्र जिन कहे बाह्य अंतर क्रिया के
अवरोध से जो भाव हो संसार नाशक भाव वे परमार्थ चारित्र जानिए। तीस अक्षर जपो नित अर अन्य गुरु उपदेश से नाश कर चौघात दर्शन ज्ञान सुख अर वीर्य में शुभ देह तित अर हंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। ग्रथित निर्देह लोकालोक ज्ञायक आत्मा अठ कर्म नाशक सिद्ध प्रभु का ध्यान तुम नित ही करो। ज्ञान दर्शन वीर्य तप एवं चरित्राचार में जो जोड़ते हैं स्वपर को युत नित निरत जो धर्म के उपदेश में सब साधु जन में श्रेष्ठ श्री उवजाय को वंदन करें। जो ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र की आराधना कर मोक्ष मार्ग में खड़े साधुओं को हो नमन। निज ध्येय में कथ निष्प्रिय वृत्ति धारक साधु जन चिंतन करे जिस किसी का भी सभी निश्चय ध्यान है। बोलो नहीं सोचो नहीं हर चेष्टा तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हो धुरंधर। निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। अल्प श्रुत धरने में चंद मुनि द्रव्य संग्रह संग्रही अब दोष विरहित पूर्ण श्रुत धर साधु संशोधन करें। ईसवी सन दो सहस दो अर चतुर्दश दिसंबर को द्रव्य संग्रह शास्त्र का पूरण हुआ अनुवाद यह है।